गुड मॉर्निंग क्लास फोर, दिस इज योर चैप्टर थ्री सब्ट्रैक्शन। चैप्टर थ्री जो है आपका सब्ट्रैक्शन है। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने चैप्टर वन और चैप्टर टू कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग चैप्टर थ्री पढ़ेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन आप अच्छे तरीके से जानते हो, जिसमें आपको कैरी का यूज करना भी पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका रिकैप एक्सरसाइज। रिकैप एक्सरसाइज होता क्या है ये आपको पता है, जो आप क्लास मतलब जो आपका पिछला क्लास होता है उसमें आप जो पढ़ चुके होते हो वो आपका रिकैप एक्सरसाइज होता है, उसका एक बार रिवीजन करवाया जाता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था आपका सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना था। तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन बताया है, एक है विदाउट कैरी जहाँ हम लोग बोरो लेते हैं, और एक है विदाउट कैरी और एक है विद कैरी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सिक्स में से फोर जाता है, फर्स्ट आप देख रहे हो सिक्स में से फोर जाता है तो टू, एट में से फाइव गया तो थ्री, फाइव में से थ्री गया टू, और फोर में से टू गया तो टू। उसी तरीके से अब विथ कैरी का आप देख लो, तो टू में से थ्री जाता है नहीं, तो हम लोगों ने वन से बड़ो लिया या कैरी लिया, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ट्वेल्व हो जाता है, ट्वेल्व में से थ्री जाएगा तो नाइन, ठीक है। तो एट क्या बन गया, सेवन, सेवन में से नाइन जाएगा नहीं, फिर हम लोग वही काम करेंगे वन ले लेंगे। तो ये क्या बन गया, सेवनटीन, सेवनटीन में से नाइन जाएगा तो एट बचेगा। ये थ्री क्या बन गया, टू, तो टू में से फोर नहीं जाता है इसलिए फिर हम लोग वन कैरी लेंगे, ठीक है। तो ट्वेल्व बन जाएगा, ट्वेल्व में से फोर जाएगा तो एट। अब ये एट क्या बन गया, एट ये नाइन एट बन गया, तो एट में से सेवन जाएगा तो वन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। कॉलम में अरेंज करना है फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए जो था 1523 फ्रॉम 2768, 1523 को 2768 में से माइनस करना था। तो हम लोगों को कॉलम कितने तक लिखना होगा, तो हम लोगों ने जैसा कि रीड किया नंबर को 1523, तो हम लोग को 1000 तक का कॉलम लिखना था, तो हम लोगों ने 1000 तक कॉलम लिखा। अब देख रहे हो उसके बाद हम लोगों ने नंबर को लिख दिया, हम लोगों ने जो बिगेस्ट नंबर था उसको ऊपर लिखा और जो स्मॉलेस्ट था उसको नीचे लिखा। सब्ट्रैक्ट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, उसके बाद छोटे नंबर को लिखते हैं, ठीक है। तो एट में से थ्री गया तो फाइव, सिक्स में टू गया फोर, सेवन में से फाइव गया टू, और टू में से वन गया वन। ये आपका रिकैप एक्सरसाइज मैंने बता दिया। अब मैं इसका क्वेश्चन दिखाऊंगी जो आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चन को खुद से करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ये आपका रिकैप एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर वन में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी बताया है, सी और डी आपको खुद से करना है। सेकंड नंबर में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर ए बताया है, बी सी डी आपको खुद से करना है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 है आपका, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। इसमें आपका एक ही क्वेश्चन है बस, यही है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स, ठीक है। तो इसमें मैंने 1, 3, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन बताया है, बाकी आपको खुद से करना है, ठीक है। तो वन नंबर में आपको क्या करना था, यहाँ पे 21005 माइनस 21005 इक्वल क्या होगा, तो इक्वल जीरो होगा। आप देख रहे हो दोनों नंबर सेम है ना, 21005 और 21005। जैसा कि आप जानते हो कि अगर आपके पास 5 चॉकलेट है, अगर 5 चॉकलेट भी आप खा जाते हो तो आपके पास कुछ नहीं बचता है, तो उसी तरीके से यहाँ 21005 में अगर हम 21005 को ही हटा देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब थर्ड नंबर आप देख सकते हो, थर्ड नंबर में क्या है कि यहाँ पे 2,34,316 है, ठीक है। उसमें हम क्या माइनस करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो आपको पता है कि किसी भी नंबर में हम जीरो को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं आता, इसलिए हम लोगों ने जीरो को वहाँ फिल किया। फाइव नंबर जो आप देख रहे हो यहाँ पे 16,000 माइनस डैश इक्वल 15,999, तो 16,000 में हम क्या माइनस करते हैं तो उससे वन नंबर कम आता है। 15,999 आपका वन नंबर कम है, ठीक है, 16,000 से, तो वन ही माइनस करेंगे, ठीक है। सिक्स नंबर जो है आपका वहाँ देख रहे हो 3,000 माइनस 1,000 इक्वल व्हाट, सॉरी 3,000 माइनस डैश इक्वल 2,000 प्लस
जीरो, ठीक है। तो 3000 में क्या माइनस करने पे 2000 प्लस जीरो रहता, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 माइनस करेंगे 3000 में, 1000 माइनस करेंगे तो हमारा 2000 ही रहेगा, ठीक है। अब है आपका एक्सरसाइज 3.2, जिसमें मैंने आपको दो क्वेश्चन बताया है, ए और सी, बाकी आपको खुद से करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो ए आप देख रहे हो 13645 में माइनस करना था 9382, जिसको हम लोगों ने माइनस किया तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, 4 में से 8 जाता नहीं है, फिर हम लोग 1 लेंगे तो 14 बन गया, 14 में से 8 गया तो 6, 6 क्या बन गया 5, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 9 नहीं जाता 13 बन जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4, और 1 इसको दे दिया था इसलिए ये 0 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ लाख तक का कॉलम है, तो यहाँ पे नंबर था 5,48,503 और नीचे था 4,36,201। तो यहाँ हम लोगों ने किया 3 में से 1 गया 2, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 2 गया तो 3, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1। ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं बुक में दिखाना चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने बताया है उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, तो ये आपको खुद से करना है। मैंने आपको बताया कि मैंने 1, 3, 5 और यहाँ 6 नंबर आपको बता दिया है, आपको 2, 4, 7, 8 चार क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। चार मैंने बताया और चार आपको खुद से करना है, ठीक है। थोड़े सी दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट देख लिया आप, 3.1 देख लिया आपने, अब 3.2 देख लीजिए, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको बता दिया है ए और सी, ठीक है। बाकी आपको उसी तरीके से खुद से करना है। अब इसमें देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने जो पीछे पढ़ा है, ठीक है, अरेंज इन कॉलम एंड सबट्रैक्ट, वही है, तो इसलिए ये आपको खुद से करना है, ठीक है। आपको पहले रीड करना है, उसके बाद कॉलम डालना है, ठीक है। तो ये आप खुद से करोगे, दो ही हैं यहाँ पे। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो सेम है ऊपर वाले की तरह, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये भी आपको खुद से ही करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट, यहाँ भी आपको क्वेश्चन को पहले रीड करना है, उसके बाद कॉलम में अरेंज करके सब्ट्रैक्ट करना है। फाइव नंबर आप जो क्वेश्चन देख रहे हो ये क्या है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इन टू फिगर एंड राइट द आंसर इन वर्ड्स। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है या नंबर नेम दिया गया है उसको फिगर में चेंज करना है, देन हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, पहले इसको रीड करती हूँ। तो ये है आपका ए नंबर 62,500 फ्रॉम 91,700, 62,500 को 91,700 में से लेस करना है। तो हम लोग कैसे लेस करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके से आपको करना है। यहाँ था आपका क्वेश्चन कि 62,500 फ्रॉम 91,700, मतलब 91,700 में हम लोग को 62,500 को लेस करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लेस किया तो 0 में से 0 गया तो 0, फिर 0 से 0 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 11 बन जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9, और ये 1 इसको दे दिया था तो 9 क्या बन गया 8, 8 में से 6 जाएगा तो 2, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया आपका। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे, ठीक है। सो एक्सरसाइज 3.3 जो है आपका, वो मैं आपको बुक में ही बताऊंगी, इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिन्यूट और सब्ट्रहेंड इन इच केस, ठीक है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो कहीं पे आपको क्या दिया गया है, नीचे वाला नंबर दिया गया है और कहीं पे ऊपर वाले नंबर को दिया गया है। तो जहाँ ऊपर वाला नंबर दिया गया है वहाँ पे आपको नीचे वाला नंबर निकालना है, और जहाँ नीचे वाला नंबर दिया गया है वहाँ ऊपर वाला नंबर निकालना है। तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो आप देखिए, जहाँ आपको नीचे का नंबर दिया गया है, जैसे ये आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो ए, यहाँ आपको दोनों नीचे का नंबर दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर को
आपको यहाँ आंसर लाने के लिए ऐड करना होगा, ठीक है। तो जीरो और जीरो क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जीरो लिखेंगे, ठीक है। फाइव और जीरो क्या होता है, फाइव, ध्यान रखिएगा हम लोग को यहाँ ऐड करना है, ठीक है। फाइव और वन क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, जहाँ आपको नीचे का नंबर दिया गया होगा और ऊपर का नंबर निकालना होगा, तो हम आंसर और जो ये नंबर होगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो जीरो और जीरो जीरो हो गया, जीरो और फाइव फाइव, और वन टू, ठीक है। अब आप इसको चेक कर सकते हो कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं। तो जीरो जीरो क्या हो गया, जीरो, फाइव में से जीरो गया फाइव, टू में से वन गया तो वन, आप देख सकते हो कि आपका आंसर आ चुका है। तो इसी तरीके से इसमें भी करना है, इन दोनों को ऐड करना है। और आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ आपको ऊपर वाला नंबर दिया गया है, नीचे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। मैं आपको एक बार इसको बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर ए और सी मैंने बताया है, इसी बेसिस पे आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ शो भी किया है, मैंने आपको बोला था ना कि जहाँ पे नीचे वाला नंबर दिया रहेगा उसको हम लोग आंसर के साथ ऐड कर देंगे, जो हमने यहाँ पे किया है। 100 और 150 था आंसर, इसको ऐड किया तो हमारा ऊपर वाला नंबर आ गया, ठीक है। और जहाँ पे ऊपर वाला नंबर और आंसर दिया रहेगा वहाँ ऊपर वाले नंबर में से आंसर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो नंबर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो 12 में से 8 आप चेक कर सकते हैं, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, ये 1 इसको दे दिया था ना, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। एक बार आप इसको फिर से देख सकते हो, जहाँ पे और नीचे वाला नंबर और आंसर दिया रहेगा वहाँ हम दोनों को ऐड करके ऊपर वाले नंबर को निकाल सकते हैं, और जहाँ ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दिया रहेगा वहाँ ऊपर वाले नंबर में से हम आंसर को सब्ट्रैक्ट करके जो हमारा नंबर मिसिंग है उसको निकाल सकते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, अगर आपको इसमें कुछ कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक बार फिर से क्लियर कर दूँगी, और एक्सरसाइज 3.3 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।